कक्षा पांचवी विषय हिंदी, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, रहीमन विलास। रहीमन चुप हवे बैठे दिन देख दिनन को, फिर जब नीके दिन आई है बनत न लागे बेर। रहीम इसमें बताते हैं कि अगर मनुष्य को अपने प्रतिकूल दिन का इंतजार करना चाहिए, जब दिन प्रतिकूल हो जाए यानी उसके विपरीत हो जाए अभी दिन, तो चुपचाप बैठ जाओ, जब अच्छे दिन आए तो तुम्हारे जीवन को सुधरने में जरा भी समय नहीं लगेगा, यानी अच्छे दिन का इंतजार करना चाहिए। बुरा समय रहे तो अपने को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी बताते हैं कि उत्तम चरित्र वाले पर किसी भी कुसंगति का असर नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के साथ हमेशा विषधर सांपों के लिपटे रहने पर भी चंदन का स्वभाव नहीं बदलता। तीसरा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं इसमें कि यानी रहीम कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे मेहंदी को अब पीसता है उसी के हाथ में वो रच जाती है, और जिसको लगाना उसके हाथ में तो रचती ही है, पर जिसके हाथ में जो पीसता है उसके हाथ में भी वो रच जाती है। फिर रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसमें रहीम कहते हैं किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार आपके किसी काम नहीं आएगी। फिर पांचवा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, जोरे ते फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के बंधन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने से यह दोबारा जुड़ नहीं सकता। अगर जुड़ा भी तो गांठ इसमें पड़ जाती है, उस प्रेम से प्रेम में पहले जैसी सच्चाई नहीं रहती है। इसलिए मैंने प्रेम अपने स्वभाव को इस प्रकार रखो कि किसी से बुराई का मौका ना मिले ना हो। इस प्रश्न के सही पहला प्रश्न देखिए पाठ का कवीता के से खोज कर बताइए, इसमें पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाए। तो धागा प्रेम का मत तोरो चटका, ये चौथा वाला, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तीसरा, चंदन विष व्यापत नहीं, ये दूसरा वाला, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। फिर इसी का खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है अभ्यास करने से खालिस्तान भी समझदार हो जाता है, तो आएगा महामूर्ख। खालिस्तान में क्या लिखना है? महामूर्ख। दूसरा, प्रेम रूपी खालिस्तान कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तो आएगा प्रेम रूपी बंधन। तीसरा, चंदन के पेड़ पर खालिस्तान का कोई असर नहीं होता सांपों का, खालिस्तान में आएगा सांपों का। चौथा, रहीम के अनुसार जहाँ खालिस्तान का उपयोग हो वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती सुई।